हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं दिल्ली गवर्नमेंट की 85 नंबर की वर्कशीट और यह है हिंदी कार्य पत्रिका। यह है दिनांक 12 तारीख की वर्कशीट और बच्चों यह है कक्षा 5वीं के लिए। अब से ध्यान देंगे, हर कक्षा की अलग अलग वर्कशीट है तो ध्यान से अपनी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये है पाठ्य पुस्तक रिमझिम की वर्कशीट और पहला पाठ है राख की रस्सी लोक कथा। सबसे पहले आप अपना नाम लिख लीजिए, फिर अपने शिक्षक व शिक्षिका का नाम। तो देखते हैं क्या लिखा है वर्कशीट में आज की। नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी किताब के पहले पाठ राख की रस्सी में आए संज्ञा शब्दों के बारे में कुछ बातें करेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आज हम संज्ञा के भेदों के बारे में जानेंगे। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं अपना पहला पाठ जो है राख की रस्सी, और राख की रस्सी में आए संज्ञा शब्दों के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों हमें संज्ञा पता है क्या होता है, बहुत बार पढ़ लिया है अभी तक हमने। किसी व्यक्ति के नाम को, किसी वस्तु के नाम को, पशु, पक्षु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आज हम इनके भेद पढ़ेंगे, आज हम संज्ञा के भेद पढ़ेंगे। बोलते हैं ना टाइप्स, वो होता है हिंदी में भेद। तो संज्ञा के भेद तीन भेद हैं, एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक है जातिवाचक संज्ञा और एक है भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों तीनों संज्ञाओं के भेदों को, संज्ञा के इन तीनों भेदों को मैं एक एक करके आपको समझाऊंगी, तो ध्यान से आप सुनिएगा। तो बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वह शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाते हैं वो होते हैं व्यक्तिवाचक। जैसे एक व्यक्ति, हम किसी व्यक्ति का नाम ले, किसी मोहन, किसी शहर का नाम ले दिल्ली, हम फिर किसी जानवर का नाम ले ले शेर, किसी फल का नाम ले केला, बाजरा, किसी अन्न या अनाज का नाम ले वो हो गया व्यक्तिवाचक। जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द संज्ञा किसी जाति मतलब पूरी एक जाति का बोध कराते हैं वो होते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे जानवर, अब जानवर तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो वो पूरी जाति का बोध करवा रहे हैं। फल, कितने प्रकार के फल हो सकते हैं। शहर, शहर का भी नाम ना हो तो जातिवाचक, और नाम दे दें तो व्यक्तिवाचक। वैसे ही अनाज, पूरी एक जाति का बोध करा रहे हैं, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। फिर आखिरी में आता है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा वो शब्द हैं जिनमें भाव का पता चलता है, जिसमें हम बस चीजों को महसूस कर पाते हैं। ठीक है, तो जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था का पता चलता है, गुण का पता चलता है वो होते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे देखिए मोटापा, अच्छाई, बचपन, चालाकी आदि। तो मोटापा को क्या छू पाते हैं? नहीं, सिर्फ महसूस कर पाते हैं। अच्छाई महसूस कर पाते हैं, बचपन इसे भी सिर्फ महसूस कर पाते हैं, चालाकी। तो ये सब है भाव, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, जगह का नाम पता चलता है वो है व्यक्तिवाचक। जातिवाचक जिसमें एक जाति का पता चल रहा है वो हो गया जातिवाचक। और भाववाचक जिसमें हम चीजों को महसूस कर पा रहे हैं और पदार्थों की अवस्था, गुण, इनके बारे में का बोध पता चल रहा है, ठीक है, इनके होने का बोध पता चल रहा है वो हो गए भाववाचक संज्ञा। अब आते हैं हम प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। तो जातिवाचक संज्ञा दी हुई है और हमें उसके लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखना है, ठीक है। तो पहला जातिवाचक फूल, फूल है जातिवाचक और उसके लिए व्यक्तिवाचक दिया हुआ है गुलाब, कमल, सूरजमुखी। अब अगला है फल,
तो फल के लिए व्यक्तिवाचक क्या हो सकता है? आम। फलों के नाम लिख लेते हैं, आम, केला, अनार, सेब, तो कोई तीन लिखने हैं। अब आप देख लो आपको कौन से तीन लिखने हैं और तीन फलों के नाम लिख दीजिए। ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर अगला है पक्षी, तो पक्षी में हम तीन पक्षी का नाम लिख लेते हैं, तोता, मैना, एक हो गया तोता, एक लिख लेती हूँ मैं कोयल, आपको मैना लिखना है, मैना लिखो। अब मैं यहाँ से कोयल के बाद लिख रही हूँ उल्लू, उ आधा ल, लू, उल्लू। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसे हम ध्यान से थोड़ी सी छोटी मात्रा बना लेते हैं, उल्लू। ठीक है, अब आता है लास्ट में ऐतिहासिक इमारतें। तो ऐतिहासिक इमारतें हमें लिखनी है तीन व्यक्तिवाचक में। तो एक जैसे हो गया हवा महल, हवा महल। अब हवा महल से सबको याद तो आया होगा ताज महल, तो हवा महल के बाद लिख लेते हैं ताज महल। ताज, ताज महल, म ह, ध्यान से लिखेंगे इसे, म और फिर यहाँ पे ह, ल, महल, और लास्ट में लिखेंगे इंडिया गेट, जो दिल्ली में है, इन डी या इंडिया गेट, इंडिया गेट। तो बच्चों ये हो गया हमारा दूसरा प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखना था। हमने फल के लिए लिखा आम, केला, सेब, पक्षी के लिए लिखा तोता, कोयल, उल्लू, और ऐतिहासिक इमारतों के लिए लिखा हवा महल, ताज महल, इंडिया गेट। तो बच्चों अब अपना प्रश्न दो देख लेते हैं। नीचे लिखी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और उनमें आए संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक शब्दों को छांटकर अपनी कापी में लिखिए। तो अब आपने क्या करना है, आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा को, जातिवाचक संज्ञा को और भाववाचक संज्ञा को छांटकर लिखना है इन पंक्तियों में से। और अब कैसे लिखेंगे कॉपी में, एक जगह लिख लो व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर लाइन खींच लो जातिवाचक संज्ञा, फिर लाइन खींच के भाववाचक संज्ञा, इनके नीचे छांट छांट कर हम लिख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपके लिए बस इन पंक्तियों को पढ़ूंगी, फिर आपको बताऊंगी इनमें कौन सी संज्ञा है, कौन सा संज्ञा का भेद है। ठीक है बच्चों, तो पहले यहां से शुरू करती हूँ। लोनपो गार तिब्बत के राजा सोन गवसैन गांपो के मंत्री थे। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देकर शहर भेजा। शहर में उसे एक लड़की मिली जिसने लोनपोगार के बेटे की मदद की। लोनपोगार उस लड़की की समझदारी को परखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे राख की रस्सी बनाने को कहा। लड़की ने अपनी समझदारी से राख की रस्सी बना दी। लड़की की समझदारी के आगे उनकी चालाकी धरी रह गई। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं, अब बहुत ध्यान से देखेंगे मैम क्या करने वाली है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को मैं लाल से करूंगी और जातिवाचक को नीले से करूंगी और भाववाचक के लिए हरा ले लेती हूँ, तो भाववाचक को हरे से करूंगी। तो बच्चों शुरू करते हैं। पहला, लोनपो गार तिब्बत के राजा सोन गवसैन गांपो के मंत्री थे। तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है व्यक्ति का, लोनपो गार, ये मंत्री का नाम है तो व्यक्तिवाचक। तिब्बत जगह का नाम दिया है व्यक्तिवाचक। के राजा सोन गवसैन गांपो के मंत्री थे, अब राजा का नाम दिया सोन गवसैन, ठीक है, सोन गवसैन हो गया राजा का नाम, व्यक्तिवाचक।
अब सोनगफसेन गापो, ये पूरा एक नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। अब देखेंगे ध्यान से जातिवाचक, राजा, तो राजा तो बहुत सारे होते हैं, ये हो गया जातिवाचक। मंत्री, मंत्री भी बहुत होते हैं, जब तक मंत्री का नाम नहीं देंगे तो वो व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता, ये हो गया जातिवाचक। अब आगे, एक दिन लुनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देकर शहर भेजा। तो बच्चों एक दिन बोला है, यहाँ पे दिन का नाम नहीं लिखा है, सोमवार मंगलवार ऐसे लिखते थे तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता, पर सिर्फ एक दिन लिख दिया है तो वो दिन हो गया आपका जातिवाचक। ठीक है, लुनपोगार, तो लुनपोगार अभी सबको पता है कि लुनपोगार कैसा है, लुनपोगार हमारा व्यक्तिवाचक है। बेटे, अब बेटे का नाम नहीं दिया है इसलिए बेटे हो गया जातिवाचक। भेड़े, अब भेड़े जो है, भेड़ क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पशु पक्षी का नाम, तो पशु का नाम हो गया भेड़, जातिवाचक, सॉरी व्यक्तिवाचक। इससे आपने क्या करना है, लाल से करना है, मैम ने गलती से नीला कर दिया था, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक क्योंकि ये एक पशु का नाम है। फिर देकर शहर भेजा, शहर क्या है, नाम नहीं दिया है शहर का, अगर नाम दिया होता तो व्यक्तिवाचक हो जाता, और नाम नहीं दिया है तो हो गया जातिवाचक। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे, नीला जातिवाचक से और लाल व्यक्तिवाचक से। शहर में उसे एक लड़की मिली जिसने लुनपोगार के बेटे की मदद की, तो फिर से शहर आ गया, शहर हो गया जातिवाचक। एक लड़की, अब लड़की का नाम नहीं दिया है तो लड़की हो गई जातिवाचक, यहाँ पे दिन भी जातिवाचक था, मैम ने अंडरलाइन नहीं किया था। मिली जिसने लुनपोगार, अब हमें लुनपोगार पता है कि वो है व्यक्तिवाचक। बेटे, बेटे है हमारे जातिवाचक, हो गया। तो बच्चों अब जो चीज दो बार अंडरलाइन की है, जैसे शहर या लोनोपोगार, पर इन्हें आप लिखेंगे एक ही बार, आप दो दो बार नहीं लिखेंगे। अंडरलाइन तो मैंने दो दो बार कर दिया है, पर आप लिखेंगे एक बार, एक शब्द को बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक है, आगे, लोनोपोगार उस लड़की की समझदारी को परखना चाहते थे, तो लोनोपोगार हो गया हमारे व्यक्तिवाचक। उसके बाद उस लड़की, लड़की का नाम नहीं दिया है तो जातिवाचक। की समझदारी, समझदारी को सिर्फ महसूस करते हैं तो ये हो गया हमारा भाववाचक, पहला भाववाचक, और ये हरे से किया है। को परखना चाहते थे इसलिए उन्होंने उसे राख की रस्सी, अब जो राख की रस्सी है वो किसकी रस्सी है, राख की, नाम दिया हुआ है तो व्यक्तिवाचक, बनाने को कहा। लड़की ने, अब हमें पता चल चुका है कि लड़की जातिवाचक है क्योंकि नाम नहीं दिया है। अपनी समझदारी, अब हमें पता है कि समझदारी जो है भाववाचक है, भाववाचक हरे से होगा, समझदारी भाववाचक, से राख की रस्सी बना दी। लड़की की समझदारी के आगे उनकी चालाकी धरी रह गई, तो चालाकी भी क्या है, भाववाचक। तो बच्चों लाल से जो किया है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए, जो नीले से किए हैं वो जातिवाचक संज्ञा हो गए, और जो हरे से किए हैं वो भाववाचक, और उन्हें आप यहाँ लिखेंगे व्यक्तिवाचक को इसके नीचे, जातिवाचक को इसके नीचे, और भाववाचक को इसके नीचे, और कोई भी शब्द दोबारा दोबारा नहीं लिखेंगे, बस एक बार में एक शब्द। अभिभावकों के लिए सुझाव, अपने आसपास की वस्तुओं, व्यक्तियों के नाम बोलिए, और बच्चे से खेल खेल में पूछिए कि ये नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा। तो अब मम्मी पापा जैसे कुछ काम कर रहे होंगे या कुछ भी कर रहे हैं, घर पे कोई वस्तु दिख रही है तो वो आपसे कभी भी उठा के पूछ सकते हैं कि ये जो वस्तु है ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है बच्चों, फिर कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अब आपने कोविड-19 जो हमारा फैला हुआ है इस टाइम पे, उसमें क्या करना है, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। तो बच्चों अभी भी कोविड गया नहीं है, ये मत सोचिए कि बस अब हम अब तो सब बाहर घूम रहे हैं तो कोविड चला गया, नहीं, अभी भी कोविड है, तो आप लोगों ने अपने हाथों को धोते रहना है, मास्क पहन के ही जाना है, आप तो छोटे बच्चे हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है।
मम्मा पापा ले आएंगे सारा सामान। तो यहाँ पे आपकी वर्कशीट पूरी हुई। अब मैं मिलती हूँ आपको कल आपकी नई वर्कशीट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका जो अगला वर्कशीट है वो मिस हो जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों, अब कल मिलते हैं। बाय बाय।